जीएसटी व्यापारियों को परेशान करने वाला गब्बर सिंह टैक्स से बनता दिख रहा है। जीएसटी विभाग किसी व्यापारी के मानवीय चूक पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसी कार्रवाई कर रहा है। जीएसटी के अधिकारियों और अमले की मनमानी पर रोक लगाई जाए, इस मांग के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क जीएसटी कार्यालय नीमच पर निरीक्षक लोकेंद्र पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दर्शित व्यवसाय स्थल यानी दुकान दफ्तर पर व्यक्ति के मौजूद नहीं होने या ताला मिलने या जगह बदलने जैसे सामान्य चूक पर जीएसटी विभाग व्यापारी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है। साथ ही बीते वर्षों के क्रेडिट वापस लेने के साथ उस पर 18% ब्याज और पेनल्टी भी वसूली जा रही है। ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। कांग्रेस के उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ ने मांग की है कि व्यापारियों के खिलाफ जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही है अन्यायपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। सामान्य व्यापारी के मामले में त्रुटि मिलने पर कार्रवाई ताजा तारीख से की जाए। इस अवसर पर कांग्रेस व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कमल मित्तल, जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, उमराव गुर्जर, मधु बंसल, तरुण बाहेती, राजकुमार अहीर, ब्रजेश सक्सेना, ब्रजेश मित्तल, शैलेन्द्र सेठी, प्रमोद गोधा, मनोहर अम्ब, रामगोपाल राठौर, नवीन गट्टानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। ज्ञापन का वाचन अजय कासलेवाल ने किया। जिला उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा आज जो सरकार ने एक नारा एक टैक्स का जो प्रचलन में आया था कि जीएसटी में एक टैक्स और एक ही कर लगेगा, लेकिन सरकार ने इसको विभिन्न दरों पर कर लगाना चालू कर दिया। विगत दिनों जीएसटी विभाग ने अवैध पंजनों को लेकर एक सूची जारी की थी। उस सूची की जो जांच चल रही है उसमें देखा गया है और सुना गया है कि आम व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के साथ सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ आज उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ ने एक ज्ञापन जीएसटी अधिकारियों को दिया है ताकि हमारा ईमानदार व्यापारी किसी भी तरह से परेशान ना हो। किस तरह से परेशान किया जा रहा है? व्यापारी जो फर्जी व्यापार कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में सरकार विभाग के जो अधिकारी ईमानदार व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं वो उसमें हमारा विरोध है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। किस तरह परेशान कर रहे हैं? छोटी छोटी त्रुटियों, उनको छोटी छोटी मानवीय भूलों को, जबकि जीएसटी में लगातार सुधार किए गए और उन सुधारों को व्यापारियों ने स्वीकार किया, लेकिन व्यापारियों के द्वारा यदि किसी प्रकार की कोई मानवीय भूल हो जाती है तो उसको मानवीय भूल समझकर उसमें सुधार कराना चाहिए, न कि उसका लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। नीमच में क्या किसी व्यापारी का लाइसेंस निरस्त किया गया जो आपने ज्ञापन सौंपा है? आज हमने प्राथमिक रूप से ये ज्ञापन सौंपा है ताकि इस तरह का हमारा व्यापारी जो श्रेष्ठ करदाता है वो किसी भी प्रकार से जलील ना हो, इसके लिए हमने यहाँ के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।